हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम इंट्रो। एग्जाम इंट्रो चैनल में आपका स्वागत है। जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स और सैलरी स्लिप के रिगार्डिंग अपडेट मिलता रहे। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज का टॉपिक है पावर ग्रिड में जो वैकेंसी आई है डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट के लिए, तो उसमें अगर आपका सिलेक्शन एज ए DT होता है और आफ्टर 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग जब आप JEE बन जाते हो तो आपकी कितनी सैलरी बनेगी, तो आप यहां पे इस सैलरी स्लिप के थ्रू देख सकते हो। इसमें फुल डिटेल्स दिया हुआ है, तो मैं आपको इस वन बाय वन करके बताता हूं इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो पावर ग्रिड के बारे में आप लोग को पता होगा कि पावर ग्रिड जो है एक महारत्न CPSUS सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। तो पावर ग्रिड में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आफ्टर 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग जो आपका बेसिक्स पे होगा वो 25,000 है, 25,000 वो आपका बेसिक पे है। उसके एडिशन में बेसिक पे के ऊपर क्या क्या आपको एडिशनल अलाउंसेस मिलता है उसका डिटेल्स वीडियो अभी मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, तो आप वन बाय वन करके आप देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि कुछ कुछ चीज़ें मैं हाइड कर रखा हूँ क्योंकि पर्सनल रीजन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सैलरी स्लिप है, ये पावर ग्रिड का सैलरी स्लिप है दोस्तों। यहाँ पे नेम है, यहाँ पे आप नेम देख सकते हो, कर्मचारी का नाम जो भी है, एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे आता है। उसके बाद ये देख सकते हो कि 1 अप्रैल 2022 का है वैकेंसी, मतलब 1 अप्रैल 2022 का सैलरी स्लिप है, मतलब अप्रैल मंथ का है, ये अप्रैल मंथ का सैलरी स्लिप है। और इसका देखिए जो डेट ऑफ एंट्रेंस, जो ग्रेड प्रवेश तिथि, डेट ऑफ जब ट्रेनिंग के बाद, जिस दिन ट्रेनिंग ख़त्म होती है उसके बाद, उससे पहले 2-3 दिन, 1 सप्ताह पहले इंटरव्यू होता है एक पावर ग्रिड में, तो इंटरव्यू के बाद जो है आपको एज ए JEE पोस्ट दिया जाता है ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका क्या है, 19/3/2022 को एंट्री हुई थी इस पोस्ट पे, JEE के पोस्ट पे इसका। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो लोकेशन क्या है इसका, यहाँ पे लोकेशन देख सकते हो, सीकर टू कहाँ पे है, ये आपका राजस्थान में है, राजस्थान। राजस्थान में है लोकेशन सीकर टू। विभाग क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, टीएलसी मतलब होता है ट्रांसमिशन, टीएलसी का मतलब होता है ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन। TLC का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ देख सकते हो, TBCB जो है पावर ग्रिड के प्रोजेक्ट का नाम है, किस प्रोजेक्ट में उसका जो है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन किस प्रोजेक्ट के अंदर आता है, तो वो पावर ग्रिड का अपना है TBCB, जो नया नया प्रोजेक्ट अभी मिलता है पावर ग्रिड को वो TBCB के थ्रू ही मिलता है। तो TBCB का मतलब होता है टैरिफ वेस्ट कॉम्पिटिटिव बिडिंग। तो TBCB का मतलब क्या होता है, टेरी बेस्ड कंपटिटिव बिडिंग। इसी के थ्रू पावर ग्रिड को प्रोजेक्ट मिलता है TBCB के थ्रू। जितने भी नए प्रोजेक्ट मिलते हैं, आइदर वो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सब स्टेशन, आइदर आपका GIS हो गया, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन, या AIS हो गया, एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन, तो सब TBCB के थ्रू मिलता है जितने भी नए प्रोजेक्ट मिलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो इसका सीकर 1 NR1 रीजन है, NR1 रीजन में इसका सिलेक्शन हुआ था। और कंपनी यहाँ पे देख सकते हो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कर्मचारी
सुपरवाइज़र है तो सुपरवाइज़र अभी S1 पे है। क्या होता है कि जब आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है, ट्रेनिंग के बाद आपको S1 स्केल दिया जाता है। जब ट्रेनिंग आपका ख़त्म होगा तो आपको S1 स्केल मिलेगा, S1 मिलेगा, फिर S2, फिर S3, फिर S4, फिर सिलेक्शन ग्रेड होता है। तो S1 से S2 जाने में 3 ईयर्स, फिर इस ए भी 3 ईयर्स, S3 से S4 भी 3 ईयर्स, और SG पे जाने के लिए S4 के बाद 1 ईयर्स, और आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग होता है। तो कितना हो गया आप देख सकते हो, 339, टोटल 11 ईयर्स। जब आप 11 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आप जो एग्जीक्यूटिव लेवल का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम जो होता है उसको आप अटेंड कर सकते हो, जो डिपार्टमेंट पावर ग्रिड खुद करवाती है, पावर ग्रिड खुद करवाती है थ्रू डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। तो ये बस एक बेसिक चीज़ है जो आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पहला ये ट्रेनिंग, 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद आपको S1 ग्रेड पे रखा जाएगा, 3 साल बाद आपका ऑटोमेटिक प्रमोशन हो जाएगा। दोस्तों इसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता है, तो आपका लगभग बहुत ही मतलब आप एज ए JEE, मतलब सिर्फ आपका यहाँ पे ग्रेड चेंज होगा, लेकिन आपका पोस्ट वही रहेगा JEE का ही, सिर्फ ग्रेड आपका चेंज होगा S1 से S2, S2 से S3, S3 से S4। जब आपका 11 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तब आप एलिजिबल हो जाएंगे एग्ज़ाम के लिए, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए, जो गेट के थ्रू जो आता है AET और ET की। तो AET के थ्रू, AET पोस्ट का पे आप एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा आपको थ्रू डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, फिर उसमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, तब जाके आपको एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, इंजीनियर के पोस्ट पे आपको रखा जाएगा। तो दोस्तों ये तो है आपका कि क्या प्रोसेस है, क्या मतलब प्रमोशन किस तरह से आप ले सकते हो पावर ग्रिड में। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक पे आपका 25,000। तो दोस्तों बेसिक पे का जो कैफेटेरिया अलाउंस CA है वो आपको लगभग 35% मिलता है पावर ग्रिड में। तो उस 35% को आप जोड़ लीजिए, 35% लगभग 8,750 रुपये आपको मिलेगा। तो वो जो है आपको इसी में आ जाएगा आपका कैंटीन, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ में जिसमें टैक्स आप बचा सकते हो, तो उसमें आपका जो जब सैप पोर्टल पावर ग्रिड ज्वाइन कर लोगे तो आपको सैप पोर्टल में आपको वहाँ पे आपको खुद सेलेक्ट करना रहता है। आप सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें किसमें सबसे ज़्यादा टैक्स की छूट मिलती है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये इसको और इसको आप देख सकते हो, लिव ट्रेवल ऑल, उसके बाद अपडेशन अलाउंस जो भी है, उसके बाद फिर यूनिफॉर्म मेंटेनेंस का। तो ये सब मिला के अगर आप जोड़ेंगे, फिर ये सब मिला के आपको जोड़ेंगे तो आपको लगभग कितना आएगा, 8,750। उसके बाद दोस्तों इसमें DA देखिए, उस समय करेंट DA क्या था, 30% था। तो 25,000 का 30% लगभग 7,500, लेकिन अब क्या है कि DA रिवाइज हो गया तभी लगभग 36% है। एग्जाम्पल के अगर 36% है तो दोस्तों अभी जो DA आपको मिलेगा लगभग 9,000 के आसपास मिलेगा, यहाँ पे 9,000 के आसपास आपको DA मिलेगा। तो उसके बाद HRA जो है दोस्तों वो आपके लोकेशन पे है, मेट्रो सिटी में है तो उसका अलग है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में सीकर में है, तो सीकर में HRA जो है 9% मिलता है, तो HRA इसको इसलिए बेसिक का 9%, मतलब ये कितना है, 2,250 रुपीज़। तो टोटल जो ग्रॉस बना था इसको 44,443 रुपीज़, तो ये आपका इतना ग्रॉस बनता है पर मंथ। उसमें कुछ डिडक्शन होते हैं, तो डिडक्शन क्या होता है दोस्तों, PF कंट्रीब्यूशन में जाता है कुछ, फिर NPS नया जो पेंशन स्कीम आया है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसके थ्रू कुछ डिडक्शंस होते हैं। तो आप देख सकते हो डिडक्शन
जो है कितना होता है 4,874 रुपी। तो उसके बाद जो है आपका कुल जो नेट है, नेट पे देख लीजिए यहाँ पे कितना है 39,569। तो ये आपका नेट पे है। ग्रॉस सैलरी में से जो टोटल डिडक्शन हो गया उसको रिड्यूस करने के बाद जो भी बचता है वो नेट पे आपको इतना आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है पर मंथ। तो दोस्तों ये है पावर ग्रिड का सैलरी। अभी क्योंकि डीए रिवाइज हो गया तो आपको लगभग 40+ अकाउंट में आ जाएगा पर मंथ। और वो डिपेंड करता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे एचआरए कम है, किसी का अगर दिल्ली में पोस्टिंग मिल गया किसी सब स्टेशन में दिल्ली में, तो दिल्ली में मिल जाएगा तो उसको एचआरए 28% मिलेगा, तो उस अनुसार से उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पे एचआरए 9% है तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम सैलरी बन रहा है, लेकिन अगर एचआरए ज़्यादा होगा तो आपका जो टोटल नेट पे होगा वो ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ये है आपका पावर ग्रिड का डिटेल्स, आप देख सकते हो ये अप्रैल मंथ का सैलरी स्लिप है। उसके बाद एडिशनल में अगर बात करें, एडिशनल में आपको क्या क्या पावर ग्रिड प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप उस वीडियो के थ्रू आप जान सकते हो कि एडिशनल क्या क्या फैसिलिटियाँ पावर ग्रिड आपको प्रोवाइड करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।